हेलो गाइस, हेलो गाइस, आई होप हम लोग लाइव आ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। आज हम आगे बात करने वाले हैं हार्डवेयर सेक्शन की आईसीटी में। जैसा कि आप सबको पता है, डेली दिन में 2 बजे हम लोग आजकल आईसीटी पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग सीपीयू के बारे में जानेंगे, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, रैम क्या है, रोम क्या है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरीज क्या होती हैं। ये जितनी भी कन्फ्यूजन आपके अगर आपके पास है, तो आज वो कन्फ्यूजन सॉल्व होने वाली है। रैम का एक कंप्यूटर में क्या काम होता है, रोम का क्या काम होता है, इनमें कौन सी कोडिंग होती है, कौन से प्रकार का डेटा होता है, सीपीयू की स्पीड कितनी होती है, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है, काफ़ी बच्चे गुड आफ्टरनून कर रहे हैं। माया, इंशा, साबा, सुमन, अनन्या, खुशी, शुभम, स्वदेश, रजिया, शोना, आप सभी का स्वागत है, आप सभी को गुड आफ्टरनून है। आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीपीयू, रैम, रोम, हमारा हार्डवेयर का पहला चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है। यूट्यूब की फ्री क्लासेस के अंदर आईसीटी का ये कोर्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कोर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है कुमार भरत, पेपर उनका मैं ट्रेनर हूँ, GRF क्वालिफाई किया है, और सरल से सरल एक्सप्लेनेशन आप सभी को देने की कोशिश करता हूँ कठिन से कठिन कंसेप्ट की। तो यहाँ पे अन अकेडमी की बात करते हैं। अगर आपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं करा है तो ज़रूर से ज्वाइन करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाती है यहाँ पे घर बैठे बैठे। तो लर्निंग ऐप है भाई, इसको आप ज़रूर से डाउनलोड करिए। और इसके अलावा प्लस है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में, जिसमें आपको बेस्ट एजुकेटर फ्री लाइव क्लासेस देते हैं, कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराते हैं, PDF भी देते हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच भी मिलता है। तो इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ साथ आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच और पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है अलग अलग मंथ का, आइकॉनिक और प्लस का, जिसको जल्दी से आप लोग को लेना है। KB10 कोड लगा करके इस कोड से आपको फ़ायदा होगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये कोड निश्चित रूप से आप दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी 10% डिस्काउंट का फ़ायदा उठा पाएँ। और थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर से ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस पूरे हार्डवेयर सेक्शन के अंदर, उसकी हम लोग बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर जनरेशंस की बात करेंगे कि कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, इस समय कौन सी जनरेशन चल रही है, कौन सी जनरेशन आने वाली है, और हर जनरेशन की क्या क्या स्पेशलिटी, क्या क्या खासियत, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। उसके बाद हम लोग CPU की बात करेंगे, इसकी स्पीड कैसे नापी जाती है, ये गीगाहर्ट्ज क्या होता है, CPU कैसे काम करता है, कैसे आप अपने कंप्यूटर में स्पीड को चेक कर सकते हो, स्पीड कम हो तो क्या होता है, ज़्यादा हो तो क्या होता है, ये सब हम लोग बात करेंगे। फिर कुछ टाइप की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, CPU कैश और CPU रजिस्टर, ये कौन सी मेमोरीज होती हैं, इनमें कौन सी ज़्यादा फास्ट होती है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। रैम का क्या काम है, रोम का क्या काम है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। देन हम लोग बात करेंगे अगेन प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, स्टोरेज क्या होता है, CD रोम क्या है, CDRW क्या है, DVD ड्राइव क्या है, ब्लूरे क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम लोग इस हार्डवेयर के कोर्स में बात करेंगे। और उसके बाद जो इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, PPI क्या है, DPI क्या है, प्रिंटर कितने प्रकार के, मॉनिटर कितने प्रकार के, पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है, जॉयस्टिक है, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस, ये सारी पॉइंटिंग डिवाइसेज होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से सबको गुड आफ्टरनून है। तो बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर को जल्दी से कमेंट में बताना कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका शुद्ध हिंदी नाम क्या होता है कंप्यूटर का। देखते हैं कौन पहले कमेंट में बताता है। तो कंप्यूटर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कंप्यूट और अर। कंप्यूटर क्या करता है, गणना करता है, कंप्यूट करता है। तो कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, और अर मतलब जो काम जो ये करता है उसके एंड में अर लगा होता है। तो कंप्यूटर एक प्रोग्राम है जो कि इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो तीन स्टेप यहाँ पे होते हैं कंप्यूटर के अंदर। इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया और आउटपुट दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने इनपुट दिया है कंप्यूटर को ओपन द ब्राउज़र, जैसे मान लो आपको कोई वेबसाइट खोलनी है, तो आप क्या करते हो, अपने डिवाइस को इनपुट देते हो कि आपको ब्राउज़र खोलना है। अगर आपके पास फ़ोन होता है तो आप ब्राउज़र का आइकन टच करके कंप्यूटर में अपने फ़ोन में इनपुट देते हो,
अगर आपका लैपटॉप खुला होता है तो वही आप टच पैड से या माउस से वो कर्सर ले जा करके उसको डबल क्लिक करते हो तो वो खुल जाता है। तो ओपन द ब्राउज़र, आपने इनपुट दिया, कंप्यूटर ने आपकी बात को समझा। प्रोसेस का मतलब होता है गणना करना, गणना करना मतलब दिमाग लगाना कि क्या बात कर रहा है, इसको समझना, एंड देन आउटपुट यानी कि वो ब्राउज़र की विंडो आपके सामने खुल जाना। तो यहाँ काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है। देखते हैं किसका कमेंट आया है पहले। तो साबा शेख जी का कमेंट आया है, फिर शुभम है, वानी है, एंजेला, यास्मीन, अंजलि, रिया, मिली, प्रिया, शोना, स्तुति, रजत और काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तो संगणक का अगेन मतलब वही है, जो गणना कर पाए वो संगणक है। तो अगर सबसे पहले कंप्यूटर की यहाँ पे हम बात करें तो चार्ल्स बैबेज का नाम यहाँ पे आता है, जिसने 1837 में कुछ ऐसा बनाया जो कि कुछ प्रोसेस कर रहा था अपने आप। जैसे आज के हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो उसमें हज़ारों लाखों गणनाएं प्रति सेकंड में होती हैं, लेकिन चार्ल्स बैबेज ने 1837 में एक बेसिक मॉडल दिया था जो कुछ गणना करके दिखा रहा था। यही उस समय बहुत बड़ी बात थी कि हाँ कोई जो चीज़ है वो अपने आप गणना कर रही है। तो चलिए, ये है हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन। और आज प्लस क्लास बच्चों 3 बजे स्टार्ट होने वाली है, तो अभी इस क्लास को करके हमारी पीपल एंड एनवायरनमेंट की पहली जो क्लास है आज से स्टार्ट होगी। तो कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मॉडल हमारा क्या है, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आता है। सिंपल 3 स्टेप का हमारा कंप्यूटर है। और कंप्यूटर का मतलब आपका डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप नहीं, आपका फ़ोन भी कंप्यूटर है, आपका कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है। ऐसी कोई भी मशीन जो इनपुट लेके आपको आउटपुट दिखाती है, बीच में गणना करती है, वो कंप्यूटर है। आपके घर में लगा हुआ स्टेबलाइज़र भी एक कंप्यूटर है। जो बोरिंग चलाते हो, मोटर चलाते हो तो स्टेबलाइज़र होता है ना, उस पर वोल्टेज दिखाता है, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, क्योंकि वोल्टेज को लेता है और वोल्टेज को प्रोसेस करके बाहर निकालता है और आपको डिस्प्ले में उसका आउटपुट दिखाता है। आपके घर के बाहर लगा हुआ मीटर भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, वो भी कुछ निश्चित आदेश लेता है और आदेश बाहर देता है। तो हर एक चीज़ जो इस पैटर्न पे, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट पे बनी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक है, वो कंप्यूटर कहलाती है। तो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या क्या पार्ट्स हैं। तो प्रोसेसिंग का जो काम करता है वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है और इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो इनपुट संदेश प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है या आउटपुट तक जो संदेश निकल रहा है, कभी कभी इस संदेश को रोकने के लिए, सेव करने के लिए अपने पास इसमें मेमोरी लगी रहती है, यानी कि उसका एक अपना दिमाग होता है जिसमें कि वो डेटा को संग्रह करके रख सकता है, सेव करके रख सकता है। और उसके बाद हमारा आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का मतलब है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं जिसमें लगी रहती हैं वो मदरबोर्ड कहलाता है। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये CPU लगा हुआ है, बाकी सारे सर्किट लगे हुए हैं। तो जिस बोर्ड पे ये पूरी के पूरे मशीनें लगी रहती हैं उसको मदरबोर्ड कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे ये डेटा सेव हो रहा है वो स्टोरेज डिवाइस है। इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के, जिस मशीन के माध्यम से आप इनपुट सेंड करते हैं कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होने के लिए, वो इनपुट डिवाइस होती हैं। और आउटपुट डिवाइस हैं, जिन डिवाइसेस के माध्यम से आपका आउटपुट निकलता है, यानी कि आपको रिजल्ट निकल करके फाइनली दिखता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, आपके फ़ोन में टच स्क्रीन है, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट का मतलब मॉनिटर है, आपके फ़ोन की स्क्रीन है, स्पीकर है, ये सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। आपका प्रिंटर है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की हम लोग बात कर लेते हैं। 3 प्रकार के कंप्यूटर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से हम 2 की ही बात करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का, जैसे मैंने मतलब बोला कि कंप्यूटर ज़रूरी नहीं है कि आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात हो रही है जिस पर विंडोज़ चलता है, उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे। कोई भी मशीन जो इनपुट लेके आउटपुट देती है वो कंप्यूटर कहलाती है। तो पहले ज़माने में जब डेटा को 0 और 1 में नहीं डाला गया था, जैसे हमने पिछले लेक्चर में मल्टीमीडिया की बात करी कि अब सारा डेटा 0 और 1 के फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में। तो चाहे हम सॉन्ग की बात करें वो बाइनरी है, चाहे हम वीडियो की बात करें वो भी 0 1 के
डिजिट में है। इसीलिए एक नेट के रिचार्ज से, एक डेटा के रिचार्ज से ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाते हो। उसका रीज़न यही है कि वो उसी डेटा के निर्माण से ही ये सारे बने हुए हैं जो डेटा जीरो और वन के फॉर्म में होता है। तो क्यों ये ऐसा पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि आज के कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हैं, उनको केवल जीरो वन की डिजिट में कोई भी डेटा दे दो वो सारा डिस्प्ले कर देंगे। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। आज अपनी एक डिवाइस से आप ये सॉन्ग, ऑडियो, वीडियो सब एक्सेस कर सकते हो। पहले ज़माने में आपको गाना सुनना है तो आपको की डिवाइस बिल्कुल अलग होती थी, या तो आप टेप रिकॉर्डर यूज़ करते थे या तो आप रेडियो यूज़ करते थे, आवाज़ आपको इसी में से मिलती थी। वीडियो के लिए आपके पास या तो आप टीवी पे केबल देखते थे या तो आपके पास वीसीआर टेप वाला होता था जिसपे आप मूवी चला पाते थे। और टेक्स्ट के लिए आपके पास क्या होता था? न्यूज़पेपर, कोई लेटर एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा, वीसीआर पे आप गाने नहीं चला सकते थे, रेडियो नहीं सुन सकते थे, टेप में आप कोई वीडियो नहीं चला सकते थे, टेप में आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, इनमें डिजिटल डेटा का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो जिस कंप्यूटर में डिजिटल डेटा का प्रयोग नहीं है उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। तो यहाँ टेप रिकॉर्डर, वीसीआर या जो भी चीज़ें हैं उसमें डिजिटल चीज़ें कन्वर्टेड नहीं है। तो जैसे टेप का हम लोग एग्जांपल, जिसमें कैसेट लगती है, तो कैसेट आपकी मैग्नेटिक टेप होता है, डिजिटल नहीं होता है वो मैग्नेटिक होता है। उसी तरीके से वीसीआर का भी जो आपका कैसेट होता है वो भी मैग्नेटिक होता है। अगर आप वीसीआर का कैसेट लेंगे, जो पहले जमाने में इतनी बड़ा मूवी का कैसेट आता था, उसको अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको चित्र छपे हुए दिखाई देंगे, वो डिजिटल डिजिट में नहीं है। तो जिस डिवाइस में भी डिजिटल डेटा नहीं होता है वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है, और जिस डिवाइस में डिजिटल डेटा होता है, तो आजकल डिजिटल ही है सब कुछ, फ़ोन हो या कंप्यूटर हो, पहले ज़माने में एनालॉग होता था। एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे आपके घर में लगा हुआ मीटर है, ठीक है, बिजली वाला मीटर। तो पहले ज़माने का मीटर आपका एनालॉग होता था। पहले ज़माने का बिजली का मीटर क्या होता था? उसमें चक्कर एक घूमता था, उस चक्कर से जो डिजिट है वो पलटती थी। तो जैसे अगर कभी आपने सूटकेस का लॉक देखा हो जो घुमा करके खोला जाता है, कुछ वैसा पहले मीटर होता था। उसमें डिजिट नहीं दिखाई देती थी, उसमें कोई मॉनिटर नहीं होता था। आज के मीटर में एक मॉनिटर लगा रहता है और सारा डेटा उसके अंदर डिजिटल होता है, नंबर्स के फॉर्म में आता है। तो ये फ़र्क होता है एनालॉग कंप्यूटर में जो पहले चलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हर एक चीज़ डिजिटल होती जा रही है। अगर आप स्टेबलाइज़र की बात करो, जब पावर ऊपर नीचे होता है तो उसको हम लोग लगाते हैं टीवी चलाने के लिए, पहले लगाते थे, आज भी काफ़ी लोग लगाते होंगे, तो उसमें सुई आगे पीछे जाती है पावर के हिसाब से, वो एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि आउटपुट जो है वो आपको डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है, वो मीटर के फॉर्म में दिया जा रहा है। हवा भरने के लिए भी आप देखो तो दोनों प्रकार के डिवाइसेस अवेलेबल हैं, हवा को चेक करने के लिए मोटरसाइकिल में। एक एनालॉग सुई होती है कि आपने मोटरसाइकिल में उसको लगाया तो वो सुई घूम करके दिखाती है कि इसमें हवा का प्रेशर कितना है। और एक डिजिटल भी वो तरीका होता है, जब आप पेट्रोल टैंक पे जाते हो अपनी हवा भरवाने, तो उनके पास मीटर डिजिटल लगा रहता है, वो ही दिखा देता है हवा भरते समय ही कि गाड़ी में हवा कितनी है। तो ये दो प्रकार के अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। बिल्कुल, रोहित ने एक और अच्छा एग्जांपल दिया है, आजकल की गाड़ियों में डिजिटल मीटर लगा होता है, जबकि पहले ज़माने की गाड़ियों में स्पीड के लिए कांटे वाला मीटर होता था। तो कांटे वाला मीटर एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है, जबकि डिजिटल मीटर जो लगा है वो इलेक्ट्रॉनिक या कह लें कि डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। तो ये हम लोग ने कर लिया है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और ओके, इसके बाद एज पर साइज है, तो माइक्रो कंप्यूटर है जो सबसे छोटा आपका आपके हाथ में कंप्यूटर आ जाता है, ज़्यादा हैवी काम करने के लिए नहीं होता है। फिर एक मिनी कंप्यूटर होता है, उससे थोड़ा बड़ा कंप्यूटर। फिर एक बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जिसकी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बात की थी। और उसके बाद वर्क स्टेशन होते हैं। वर्क स्टेशन का मतलब है कि जो स्पेसिफिकली वीडियो बनाने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए, जैसे आप चित्र में देख सकते हो, बहुत सारे मॉनिटर्स की ज़रूरत पड़ती है, हैवी कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, वर्क स्टेशन हैं। एंड देन अगेन सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, बहुत ठंडी जगह पे बनाए जाते हैं। तो अगर आपने कभी सुपर कंप्यूटर देखा हो या कभी सर्वर रूम देखा हो, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे उन मशीनों को रखा जाता है, क्योंकि वो मशीनें बहुत गर्म होती हैं।
ठीक है। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा मैंने टाइप आप लोगों को एक्सप्लेन करा है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जिससे एक क्वेश्चन ज़रूर से आता है। डिजिटल बिटा मतलब डिजिट, यहाँ पे जो डेटा प्रोसेस है वो बाइनरी तरीके से हो रहा है। जैसे आपका थर्मामीटर है, तो पहले ज़माने में थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ यूज़ होता था जल्दी बताना, जो पुराने ज़माने का थर्मामीटर होता है जिसको छटक के मुंह में लगाया जाता है, उसमें कौन सा पदार्थ यूज़ होता है ये जल्दी से बताना। ओके, लेट हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो जनरेशन में हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। जनरेशन का क्या मतलब है कि जो आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, या जो आज हम अपने हाथ में ये फ़ोन यूज़ करते हैं जो बड़ा ही ख़तरनाक एक डिवाइस है, सारे काम हमारे करता है, या हम ये भी एक कंप्यूटर है, एक स्मार्ट वॉच भी एक कंप्यूटर है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले करती है। इतना सरल नहीं था इतनी टेक्नोलॉजी को बनाना, कई पीढ़ियाँ लगी हैं। जी बिल्कुल, मर्क्यूरी पारा, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे साबा शेख, वानी, केशवी, नेहा, ज्योति, आश्रिया, कैंट अकेडमी, उमा, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया है। पारा यूज़ होता था पहले ज़माने के थर्मामीटर में, आज के ज़माने के थर्मामीटर में डिजिट बन के आती है और वो टेक्नोलॉजी अलग यूज़ करता है। पहले पारे से ही टेम्परेचर भी दिख जाता था, वो मीटर बना रहता था, कितना पारा चढ़ा समझ में आ जाता था। यहाँ कोई डिजिट का काम है क्या? नहीं है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर है, इनपुट लिया तापमान के रूप में, आउटपुट दिखाया कितना डिग्री सेल्सियस या कितना फॉरेनहाइट तापमान है। तो ये आपका क्या हो गया, ये एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि इसमें डिजिट में कुछ कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ही नहीं। आज के नए थर्मामीटर निकले उसमें बैटरी लगती है। बैटरी क्यों लगती है? अंदर डिजिट में कुछ काम हो रहा है, 01 में कुछ काम बिना बैटरी लगे नहीं हो सकता है। तो वो आपका एक डिजिटल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। तो जनरेशन की बात करें तो ये जो इतना डेवलप आपको मिल गया है कंप्यूटर आपके हाथ में, और मैं आपको बताऊं तो जब हम लोग छोटे थे और हम लोग कंप्यूटर सीखते थे तो हमारी किताबों में उस समय लिखा रहता था कि आने वाले समय में कंप्यूटर इतना सस्ता हो जाएगा कि हर घर में एक कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये पढ़ के मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरे घर में भी कंप्यूटर आ जाएगा, क्योंकि उस समय कंप्यूटर बड़ा महंगा होता था। तो मैं सोचता था कि कब वो दिन आएगा कि जब हमारे घर में भी कंप्यूटर होगा। और आज तो कंप्यूटर 7,000, 10,000 में फ़ोन के रूप में सबके घर में है। सबके घर में नहीं, हर एक पर्सन का अपना कंप्यूटर उसके हाथ में है। तो ये जो इतना विकास हुआ है ये एकदम से नहीं हो गया भाई, बहुत पीढ़ियाँ लगी हैं। उन पीढ़ियों की हम लोग बात करेंगे। पहली पीढ़ी में बहुत स्लो, बहुत भारी और बहुत महंगे कंप्यूटर थे, और धीरे धीरे कंप्यूटर एडवांस्ड होते चले गए, ठीक है। सर, हाउ टू जॉइन पीपल एनवायरनमेंट क्लास? तो मेरी प्रोफाइल पे अपन अकेडमी में जाएंगे तो वहाँ आपको प्लस कोर्स में दिख जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहला जनरेशन जो था उसका आप सन देखिए किस ईयर में ये था। 40s से 50s के बीच में ये कंप्यूटर बने थे, जो कि बहुत स्लो थे, बहुत हैवी थे, और एक टेस्टिंग के लिए थे, आम आदमी के यूज़ के लिए नहीं थे। साइंटिफिक कोई चीज़ कर रहे हैं, कुछ ऑटोमेट करना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ आता था, आम आदमी के लिए ये सब बना नहीं था। इसमें इस समय हार्ड डिस्क भी आपकी नहीं बनी थी, जहाँ पे आप डेटा रिकॉर्ड करते हो, हार्ड डिस्क पेन ड्राइव कुछ नहीं था, मैग्नेटिक टेप्स थे। कभी आपने देखा है पुराने ज़माने की अगर मूवी देखोगे तो उसमें कोई भी जैसे आँखें, एक बहुत पुरानी मूवी आई थी धर्मेंद्र वाली, उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी दिखाई गई थी। आज के ज़माने मूवी देखोगे तो आपको थोड़ी हंसी आएगी कि उसमें बल्ब जल रहे हैं लाल पीले, उसी को टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है। तो उसमें कुछ इस हिसाब के टेप चलते थे, मतलब कुछ ऐसे टेप चल रहे हैं, कोई दिखाया जाता था कि बल्ब जल रहे हैं, कुछ ऐसे टेप लगे हुए हैं। तो ये टेप एक तरीके का कैसेट ही है, बड़ा सा कैसेट है, और वो डेटा को रिकॉर्ड करते थे। मैग्नेटिक होते हैं और कुछ चुंबक का इनमें होता है जिससे वो डेटा को सेव करते हैं। इसलिए पहले ज़माने के जो कैसेट होते थे उनको बोला जाता था कि चुंबक के बगल में मत रखना, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है, उसका अंदर का गाना वाना चला जाता है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती थी। और मेन आपको पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब नाम की एक चीज़ यूज़ होती थी। ये वैक्यूम ट्यूब बड़ी बड़ी कांच के बल्ब जैसी होती थी, और इसी की वजह से कंप्यूटर गणना कर पाता था, यही कंप्यूटर का प्रोसेसर होता था। सेकेंड जनरेशन आई 1950 से 60 के दशक के बीच, ये जनरेशन आई। इन्होंने क्या करा, पहले ज़माने में जो वैक्यूम ट्यूब होती थी जिनमें वैक्यूम होता था, कांच की बनी होती थी, भारी होती थी, टूटने पे ख़राब हो सकती थी, इसको उन्होंने बदल दिया
छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स में। तो सेकेंड जनरेशन में की पॉइंट है ट्रांजिस्टर, यही आपको जानना है, बाकी कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। सेकेंड जनरेशन में आपका क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर आज भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि सेकेंड जनरेशन के बाद इसका यूज़ खत्म हो गया। छोटे छोटे जो डिवाइसेस बनती हैं छोटे छोटे कामों के लिए, उनमें आज भी ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक, आप सबने खोला होगा इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान, उसमें हरे हरे बोर्ड होते हैं और उसमें ऐसे तीन चार टांगों वाले कुछ लगे रहते हैं, सर्किट लगे रहते हैं, कुछ नीले पीले अलग अलग कलर के काले। तो उसमें जो काले रंग का तीन टांगों का एक सर्किट लगा रहता है, अगर आपने देखा हो, तो उसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब को इन्होंने ट्रांजिस्टर में बदल लिया। अब ट्रांजिस्टर था बहुत हल्का, बहुत छोटा, जगह कम घेरने वाला, पावर कम लेने वाला, टूटता भी नहीं, फेंक दो आप किसी सर्किट को तो टूटता नहीं है। तो ये बड़ा बढ़िया चीज़ इन्होंने बना दी और इसके बाद से थोड़े बेसिक कंप्यूटर्स जो हैं आने स्टार्ट हो गए। अब ये बहुत आराम से एक्सेसिबल हो गया लोगों के लिए भी, और काफ़ी इस सेकेंड जनरेशन के आने के साथ साथ काफ़ी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, कोबोल, फोरट्रैन, ये भी आ गई, लोग प्रोग्रामिंग भी सीखने लगे। और फिर आई थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो है आपकी, इसका जो की पॉइंट है ये है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी आ गई। आईसी आज भी यूज़ होती हैं छोटे मोटे गैजेट्स में, आईसी का ही प्रयोग होता है। अगर आपको टेप रिकॉर्डर चाहिए तो उसमें प्रोसेसर या सीपीयू लगा के तो देते नहीं हैं, उसकी जगह जो उसका दिमाग होता है आईसी होता है। वीडियो का सीडी प्लेयर होगा, उसमें आईसी लगी होगी। तो जो भी छोटे मोटे गैजेट होते हैं उन सब में एक आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट ज़रूर लगा रहता है। ये टेक्नोलॉजी हमारी 1960 से 1970 के दशक तक लगभग पॉपुलर हुई, और अब छोटे छोटे डिवाइसेस में आईसी लगी रहती है। कभी आपने ये देखा, कभी आप कोई गैजेट बनवाने गए हों, कोई टेप रिकॉर्डर या सीडी प्लेयर या आप अपनी टीवी, तो मैकेनिक कहता है कि इसकी आईसी ख़राब हो गई है, इसकी आईसी बदलनी पड़ेगी। आईसी इसका मेन पार्ट होता है, इसका दिमाग होता है। तो आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट का मतलब है कि जो इतने सारे ट्रांजिस्टर्स हैं उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है आपस में। तो एक आईसी का मतलब ये नहीं कि कुछ काला काला जो है, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर इसके कुछ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे ऑलरेडी ट्रांजिस्टर्स छोटे छोटे करके ऐड किए गए हैं, जिससे ये और जगह कम लेता है और फास्ट हो जाता है, सस्ता भी पड़ता है और काफ़ी सारी इसके अंदर फायदे आ जाते हैं। और इसमें भी काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट हो गई और काफ़ी सारे कंप्यूटर्स बनने लगे। और उसके बाद हमारे पास आया फाइनली फोर्थ जनरेशन, जिसमें हम आज हैं, यानी कि कई सारे आईसीज को लेकर के भी आप जब मिला देते हैं और छोटा करते जाते हैं तो सीपीयू बनता है, प्रोसेसर बनता है। और ये प्रोसेसर जो है ये एक तरीके से अरबों खरबों इसके अंदर सर्किट लगे होते हैं, उसका एक छोटा रूप है। ध्यान दीजिएगा, आपकी डिवाइस की स्पीड इस पर निर्भर करती है कि बिजली का इलेक्ट्रॉन कितनी देर में एक चक्कर लगा पाता है। तो जितना आप अपनी डिवाइस को छोटा कर देंगे, बिजली का चक्कर उतना तेज़ हो जाएगा, जिससे आपके डिवाइस की स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसको हमने VLSI भी हम इसको कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो CPU जो है हमारे पास वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड है, मतलब बहुत सारे लार्ज स्केल पे बहुत सारे सर्किट्स को इंटीग्रेट करके प्रोसेसर के अंदर डाला गया है। इसीलिए जब भी आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो इतना छोटा सा प्रोसेसर जो होता है वही 30-40 हज़ार रुपये का आता है। पूरा कंप्यूटर जो आप बनवाते हैं उसमें सबसे महंगा जो सामान है वो आपका प्रोसेसर होता है, क्योंकि वो देखने में छोटा होता है लेकिन उसके अंदर अरबों खरबों सर्किट्स लगे रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैक्सिमम हर एक चीज़ में बिना आईसी के कोई चीज़ बनती नहीं। ओके, तो अब जो जनरेशन चल रही है इस समय, हम जिस जनरेशन में है वो फोर्थ है, मतलब हमारा फिफ्थ जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है। फिफ्थ जनरेशन पे काम हो रहा है, अभी वो मैच्योर हुई नहीं, अभी ये स्टार्ट हुई है। तो ये है हमारी फिफ्थ जनरेशन, जिसको हमने ULSI भी बोला है। ULSI मतलब कि अब प्रोसेसर को और पावरफुल कर दिया गया, अब सुपर कंप्यूटर्स आ रहे हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रहा है, चाहे सॉफ्टवेयर के रूप में हो, हार्ड डिस्क के रूप में हो, प्रोसेसर के रूप में हो। और फिफ्थ जनरेशन इस ULSI का प्रयोग करके किस पे काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे।
इंसान के दिमाग को रेप्लिकेट करने की कोशिश हो रही है। मशीन का दिमाग हमेशा इंसान के दिमाग से कम आंका जाता है। तो अब अगर इंसान का दिमाग जो आप देखते हो कितने छोटे से एरिया में होता है, लेकिन अगर मशीनों के रूप में इसको रेप्लिकेट करने की जब बात की जा रही है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तब जाके वो इंसान के दिमाग को रेप्लिकेट कर पाएगा। अब क्योंकि हार्डवेयर वाइज हमारे पास इतनी चीज़ें हो गई हैं, तो अब यहाँ पे इनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को या डिवाइसेस को स्मार्ट बनाएं। तो स्मार्ट डिवाइस का एग्जांपल है, कितने बच्चों ने ये बताना कि कितने बच्चों के फ़ोन में ये फंक्शन है कि वो धूप में जाते हैं तो उनका फ़ोन अपने आप चमक जाता है, और जब अंधेरे में होते हैं तो उनका फ़ोन अपने आप डिम हो जाता है। ये भी एक स्मार्ट डिवाइस की निशानी है, एक बेसिक रूप है कि आपके फ़ोन के पास इतना दिमाग है कि जब धूप ज़्यादा हो तो स्क्रीन को की चमक को बढ़ा देना है, और धूप कम हो तो स्क्रीन स्क्रीन की चमक को डिम कर देना है। ये एक बेस है आज के ज़माने की 5th जनरेशन का, कि आपकी डिवाइसेस अपने आप स्मार्ट होती जा रही हैं। बट आजकल मेरे कंप्यूटर में 7th जनरेशन लिखा हुआ होता है, तो वो क्या 7th जनरेशन का है? नहीं, वो आपके प्रोसेसर का जनरेशन है। प्रोसेसर के जनरेशन को कंप्यूटर के जनरेशन से सिमिलैरिटी में मत बनाएं। प्रोसेसर क्या करता है कि जैसे आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में इंटेल का प्रोसेसर है, तो वो अपना वर्जन को जनरेशन कर उन्होंने नाम दे दिया है। वो आपके इंटेल का 7th वर्जन है, लेकिन वो बोलते हैं कि 7th जनरेशन है, लेकिन वो जनरेशन और ये जनरेशन अलग है। विल स्मिथ की मूवी आई थी रोबोट, जो कि पूरी AI बेस्ड थी। जी हाँ, तो काफ़ी मूवीज़ भी जो हैं इस पे बनती हैं। तो यहाँ कंप्यूटर कंपोनेंट्स की हम लोग ने बात कर ली है, आप यहाँ चित्र भी देख सकते हैं। इनपुट से CPU में गया, CPU से आउटपुट में आया। RAM जो है टेम्प्रेरी मेमोरी की तरीके से काम करता है, जो कि प्रोसेसर की मदद करता है। आगे हम लोग उसको और डिटेल में देखेंगे, और जो भी आउटपुट हमारा निकल करके आता है वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी सबकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस का मतलब कि जिससे हम डेटा को अंदर भेजते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली दो टाइप की होती है, एक टाइपिंग डिवाइस और एक पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो टाइपिंग डिवाइस कौन सी होती है? कीबोर्ड एक टाइपिंग डिवाइस है, जिससे आप कुछ सर्टन अक्षरों को, कैरेक्टर्स को अपने कंप्यूटर के अंदर भेजते हो। और पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब है कि जब आप अपने स्क्रीन के किसी सर्टन एरिया को एक निश्चित पॉइंट या एरो से टच कराते हो, तो वो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इन्हीं दोनों से ही हम लोग इनपुट देते हैं, तीसरी कोई चीज़ तो होती नहीं है। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपके फ़ोन में कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस लगी हुई हैं। टाइपिंग डिवाइस लगी है या पॉइंटिंग डिवाइस लगी है या दोनों लगी हैं, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस की हम लोग बात करें, तो टाइपिंग डिवाइस तो सेम है भाई, कीबोर्ड जो पहले भी था अभी भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, पॉइंटिंग डिवाइस अलग अलग प्रकार की आती जा रही हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस सबसे पहले चलती थी, सबसे पुरानी पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। माउस के बाद लैपटॉप बने, लैपटॉप में टच पैड आ गए। तो सेकंड नंबर पे जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है टच पैड। जो बच्चे गेम खेलते हैं उनके लिए जो पॉइंटिंग डिवाइस है उसको कहते हैं जॉयस्टिक। और जो बच्चे ओके तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे दोनों होते हैं, जी बोर्ड टाइपिंग डिवाइस लगी हुई है, और सब बच्चे हैं लगभग वो कह रहे हैं कि दोनों होते हैं। नेहा जी कह रही हैं केवल टाइपिंग डिवाइस होती है, नीलिमा भी कह रही हैं केवल टाइपिंग डिवाइस होती है। ध्यान से समझ लेना, आपके फ़ोन में केवल और केवल पॉइंटिंग डिवाइस होती है, टाइपिंग डिवाइस नहीं होती है। आप टाइप पॉइंटिंग डिवाइस से करते हो, करते हो कि नहीं करते हो? क्या आपके फ़ोन में क्या एक कीबोर्ड लगा हुआ है जिसमें बटन बने हैं? नहीं, आपके फ़ोन में कीबोर्ड बन करके आ जाता है,
और पॉइंटिंग डिवाइस द्वारा टच करके ए कहाँ बी कहाँ सी कहाँ आप इनपुट देते हो। तो इसका मतलब कि आपके फ़ोन में टाइपिंग डिवाइस नहीं होती है, आपके फ़ोन में केवल पॉइंटिंग डिवाइस होती है, टच डिवाइस होती है, उसी से आप कीबोर्ड का भी इनपुट देते हो और पॉइंटिंग भी इनपुट देते हो। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया। ओके, तो टच पैड जैसे मैंने बोला ये लैपटॉप के आविष्कार के साथ आया, उससे पहले माउस होता था डेस्कटॉप के साथ, गेमिंग के लिए जॉयस्टिक आया जो सेम पॉइंटिंग डिवाइस होता है, और नए ज़माने में टच स्क्रीन एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो अब आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हो। तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस में बहुत चेंज आए हैं। फाइनल इसका जो हमने देखता है लेटेस्ट पैटर्न वो टच स्क्रीन दिखता है। अब हमारे लैपटॉप भी टच स्क्रीन में आ रहे हैं, हमारे फ़ोन भी टच स्क्रीन में होते हैं, टैबलेट भी होते हैं, और पॉइंटिंग डिवाइस से ही हम लोग कीबोर्ड का भी आजकल काम कर लेते हैं। हाँ, पुराने फ़ोन में टाइपिंग होता था, नोकिया का फ़ोन, ब्लैकबेरी का फ़ोन, इनमें टाइपिंग डिवाइस कीबोर्ड लगा रहता था। ठीक है, तो ये प्रकार के टाइपिंग डिवाइसेस हैं। और ये तो हो गया आदेश देने का, कि हम लोग जो लिख के या क्लिक करके आदेश दे रहे हैं, ये हमारा टाइपिंग और पॉइंटिंग डिवाइस से हो रहा है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के आदेश अंदर जा सकते हैं, जैसे स्कैनर से आप डेटा अंदर भेज सकते हो, आप कभी फॉर्म भरने जाते हो तो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका साइन का फ़ोटो ये लगाना पड़ता है, इसके लिए कभी ना कभी आपने पेज पे साइन करके इसको स्कैन करके कंप्यूटर में डाला होगा, तो बाहरी आपके हाथ में जो फ़ोटो है या जो साइन है उसको अंदर डालने के लिए स्कैनर का यूज़ करते हैं, वो स्कैन कर लेता है और आपके अंदर डिवाइस में फ़ोटो आ जाता है। आजकल तो फ़ोन में भी है कि कैमरे वाला स्कैनर होता है, कि कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट खुला है, आपने फ़ोटो खींचा और वो कैम स्कैनर से आपने उसको PDF में सेव कर दिया। ठीक है, फिर अगर आवाज़ अंदर भेजनी हो आपको कंप्यूटर में, तो वहाँ माइक्रोफोन काम आता है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लैपटॉप का जो माइक्रोफोन है वो मेरी आवाज़ को अंदर ले रहा है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और आपको वो चीज़ सुनाई दे रही। फिर उसके बाद MICR है एक प्रकार का, जैसे चेक लिखे रहते हैं, चेक में जो नीचे नंबर होते हैं वो मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के द्वारा छपे हुए होते हैं, जो चेक के नीचे जो नंबर लिखे रहते हैं। नहीं, स्कैनर पॉइंटिंग या टाइपिंग डिवाइस नहीं है, जो पॉइंटिंग टाइपिंग डिवाइस थे वो मैंने बता दिए, स्कैनर एक अलग प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि अब जो है आप कॉपी पे या आपके किसी पेज में लिखा हुआ कैरेक्टर भी मशीन में रीड करके डाल सकते हो। तो ये अलग अलग प्रकार के इनपुट डिवाइसेस हैं। टच पैड की हम लोग ने बात करी ली कि ये लैपटॉप में हमारा लगा रहता है, पॉइंटिंग डिवाइस एक प्रकार का है। फिर चित्र को अगर भेजना है कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराना है, तो वेबकैम का आप प्रयोग करते हैं, जिसको कि मैं कर रहा हूँ, ये सामने मेरे वेबकैम लगा है और इससे मेरी शक्ल अंदर जा रही है और आप लोग को दिख रही है। फिर बायोमेट्रिक डिवाइस, इससे क्या होता है, कोई मुझे जल्दी से बताएगा कि किसी ने बायोमेट्रिक डिवाइस क्या कहाँ देखी। बायोमेट्रिक डिवाइस का मतलब है कि आपके शरीर में जो यूनिक आइडेंटिटी है उसको कंप्यूटर में भेजना। और यूनिक आइडेंटिटी एक तो आपका फिंगरप्रिंट है, तो एक फिंगरप्रिंट लेने वाली डिवाइस भी बायोमेट्रिक कहलाती है। आपका रेटिना स्कैन, यानी कि आपकी आँख में एक रेटिना है जो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, उसको अंदर लेना भी बायोमेट्रिक डिवाइस कहलाती है। तो आपने कई एक जासूसी मूवीज़ में देखा होगा कि कोई सीक्रेट गेट है, वो तभी खुलता है जब वहाँ का अधिकारी अपनी आँख उस पर लगाता है, तो वो गेट जो होता है उसकी आँख को स्कैन करता है और फिर खुलता है, तो वो हमारा रेटिना स्कैन होता है, वो भी एक प्रकार की बायोमेट्रिक डिवाइस है। तो यहाँ पे सभी बच्चों ने बिल्कुल सही बताया कि उन्होंने बायोमेट्रिक को कहाँ देखा है, फिंगरप्रिंट वाला आधार, एग्जाम हॉल, जी हाँ, अटेंडेंस लगाते समय, कोई गेट को खोलते समय। तो मेरे जो ऑफिस में गेट लगा है वो बायोमेट्रिक है, उसमें आप फिंगर लगाएंगे अपना तभी खुलेगा, तो बस उसमें मेरा फिंगर है तो मैं उस गेट को बंद कर देता हूँ, कोई ताले चाबी का जाम नहीं है, फिंगर लगाया खुल गया, बंद कर दिया, कोई नहीं खोल पाएगा, बाहर जाना है कोई ताला नहीं लगाना, कोई चाबी नहीं लगानी, उसको बंद कर दिया वो अपने आप लॉक हो जाएगा, कोई उसको खोल नहीं पाएगा। ठीक है, ये सब भी इनपुट डिवाइस है जो कि कुछ डेटा अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है आउटपुट डिवाइसेस, कौन कौन सी हैं, मॉनिटर्स हैं।
तो सबसे प्राइमरीली जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं मॉनिटर है। देखो आपको कंप्यूटर बिना स्पीकर के चल जाएगा, बिना दूसरे आउटपुट डिवाइस, बिना प्रिंटर के चल जाएगा, लेकिन क्या आप कभी किसी कंप्यूटर को बिना मॉनिटर के चला सकते हो? आप किसी कंप्यूटर को बिना मॉनिटर के चला नहीं सकते, क्योंकि इंसान के सारे सेंसेस में आँखें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं। आँखों से हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ पाते हैं राधर देन कान से, नाक से एंड सो ऑन। तो इसलिए कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना मॉनिटर के आप कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे। तो मॉनिटर क्या है? डिस्प्ले है जिस पे आपको रिजल्ट दिखाई देता है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके कंप्यूटर के मॉनिटर के थ्रू ही दिखाई दे रहा है। इस मॉनिटर का मतलब कोई क्लास का मॉनिटर नहीं है, इस मॉनिटर का मतलब कि आपके डिवाइस में एक्चुअली क्या हो रहा है इसको आप मॉनिटर कर पा रहे हैं, इसीलिए स्क्रीन को मॉनिटर बोला जाता है। और ध्यान देना, जो पुराने कंप्यूटर थे उसमें स्क्रीन, मतलब अगर कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें स्क्रीन नहीं है और साउंड से आपको पता लगता है कि क्या हो रहा है, तो उसमें साउंड को मॉनिटर बोला जाएगा। तो अब जो डिवाइसेज है उसमें स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन से मॉनिटर करते हैं, उसको मॉनिटर बोला जाता है। ठीक है सर, अगर ख़राब फिर इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, इमरजेंसी के लिए मॉनिटर लगाना पड़ेगा। एयरपोर्ट में फेस रिकग्निशन है एंड सो ऑन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी इनपुट डिवाइस हैं। अब ध्यान रखना, मॉनिटर की अगर हम लोग बात करें तो मॉनिटर में भाई आपका पूछा जाता है कभी कभी मॉनिटर के प्रकार। मॉनिटर में भी जनरेशन्स आई, मतलब पहले एक पुराने ज़माने का मॉनिटर, फिर नया, तो तीन प्रकार के मॉनिटर्स में डेवलपमेंट हुए हैं। पहला CRT मॉनिटर था, जो पहले बड़े बड़े मॉनिटर थे टीवी, मॉनिटर के डेवलपमेंट के साथ टीवी भी डेवलप हुई, क्योंकि चलते तो दोनों एक ही पे हैं, दोनों का ही काम चित्र और वीडियो दिखाना है। तो पहले ज़माने में टीवी आप देखो मोटी मोटी आती थी, भारी भारी सी आती थी, पिक्चर ट्यूब लगा रहता था, पिक्चर क्वालिटी भी कुछ इतनी खास नहीं आती थी, किनारों से थोड़ी गोल गोल सी रहती थी। उसमें CRT टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। अब इसमें कुछ ट्यूब लगी होती थी, उसमें कैथोड और एनोड वगैरह से प्रोजेक्शन होता था स्क्रीन के ऊपर। ये बड़ी भारी और पुरानी टेक्नोलॉजी थी। और इमेजिन करो कि अगर आज तक LCD मॉनिटर या पतले मॉनिटर नहीं बने होते तो आपका फ़ोन कैसा दिखता? आपका फ़ोन कुछ इतना मोटा होता और उसमें ऐसे ही जैसे पुराने ज़माने की TV थी वैसे उसके अंदर लगी रहती, थोड़ा भारी सा होता वो उठाने, पावर भी ज़्यादा लेता। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि क्योंकि जैसा आप सबको पता है, साइंस को प्रॉब्लम्स को हटाना है, नई चीज़ों को लाना है, सुविधा को लाना है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इतना भारी TV पीछे से इतना चौड़ा है, जगह घेरता है, सुंदर भी नहीं लगता पीछे से। तो क्या हुआ कि इन्होंने बहुत ही पतला कर दिया मॉनिटर को। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ा, लिक्विड क्रिस्टल्स की एक लेयर बनानी पड़ी जो कि डिफरेंट कलर्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो इन्होंने क्या करा कि एक फ्लैट पैनल पे लिक्विड क्रिस्टल अरेंज कर दिए। एक क्रिस्टल तीन कलर में जल सकता है। तो कोई जल्दी से बताएगा कि वो क्रिस्टल कितने कलर्स होते हैं जिसमें बेसिक तीन कलर में हर एक क्रिस्टल जल सकता है। तो LCD मॉनिटर बेसिकली क्या है कि एक फ्लैट पैनल है और उस पर ऐसे बहुत छोटे छोटे चौकोर चौकोर से क्रिस्टल्स लगे हुए हैं जो तीन कलर में जल सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से इन तीन कलर का कॉम्बिनेशन बनता है कि आपको पूरा एक कलर्ड चित्र दिखाई देता है। ठीक है, तो जब छोटे छोटे, अगर आप LCD कोई आपके घर में TV चल रही है और बिल्कुल सामने से आंखें गड़ा के देखोगे तो आपको वो लिक्विड क्रिस्टल्स दिखाई देंगे बिल्कुल निश्चित रूप से। कोई एक लाल बत्ती होगी, फिर हरी बत्ती होगी, फिर कुछ इस तरीके से कलर्स होंगे। तो जैसे साबा कह रही हैं कि तीन प्रकार के कलर में जलता है, ब्लू, रेड और ग्रीन, बाकी सारे कलर जो हैं इनके कॉम्बिनेशन से बने रहते हैं, इसलिए आपको पूरी कलर TV दिखाई देती है। तो ये हमारी तकनीक आ गई। और इस तकनीक के बाद अगली तकनीक आई LED मॉनिटर, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि लिक्विड क्रिस्टल्स की अपनी लाइट नहीं होती है, तो इस लिक्विड क्रिस्टल की परत के पीछे से बहुत तेज़ लाइट देनी पड़ती है। तो जो LED मॉनिटर आया इसमें लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि जो LED बल्ब हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, इस LED टेक्नोलॉजी से लाइट को दिया जाने लगा। और ये LED बहुत छोटी होती हैं इसलिए TV और पतली हो गई,
और हल्की हो गई और कम पावर लेने वाली हो गई एलईडी की वजह से। एलसीडी में सीएफएल में जो फ्लोरोसेंट टेक्नोलॉजी थी वो यूज़ होती थी, इसलिए पहले ज़माने में सीएफएल आती थी। एक बार मैं एक दुकान पे गया, मेरे घर में सीएफएल लगी थी, वो ख़राब हो गई। मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा कि भैया सीएफएल दे देना, तो कहने लगा भैया आप सीएफएल आती नहीं है, अब एलईडी आती। उसने कहा कि आना बंद हो गई, तो मुझे भी लगा अच्छा तो वो क्यों हुआ, क्यों आना बंद हो गई, क्योंकि अब बेटर टेक्नोलॉजी एलईडी निकल आई है प्रकाश बनाने के लिए। तो अगर हमारे घरों में भी अब एलईडी लग गई है तो टीवियों में भी तो अब एलईडी लग गई है प्रकाश बनाने के लिए। तो सेम वही चीज़ थी एलसीडी वाले ही, बट उसमें लाइट जो है अब एलईडी के आने लगी, तो इसलिए वो हमारी एलईडी मॉनिटर हो गया। तो अब सारे के सारे हमारे एलईडी के ही मॉनिटर आते हैं, अब एलसीडी मॉनिटर नहीं आते। जिस प्रकार से अब हमारे घर में वो स्पाइरल वाली जो आती थी सीएफएल, अब वो नहीं आती है, अब एलईडी बल्ब आते हैं। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा, लाइट एमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और कैथोड रे ट्यूब, ये तीन प्रकार की टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे क्वेश्चन बन चुके हैं। नाउडेज वॉइस कमांड कर सकते हैं ना, इज इट इनपुट डिवाइस लाइक एलेक्सा एंड ओके गूगल? तो रश्मि जी, निश्चित रूप से ये एक प्रकार का इनपुट ही है जब आप एलेक्सा लाइट जला दो, लाइट बंद कर दो बोलते हो, या ओके गूगल बोलते हो। अगर मैं ज़्यादा ओके गूगल बोलूँगा तो सुन ना ले, बगल में रखा हुआ है, सुन लेता है तो कमांड स्टार्ट कर देता है। ओके, तो अब आप ध्यान दो ना कि आपकी आवाज़ आपके डिवाइस के अंदर जा रही है। तो मैंने जैसा अभी बताया कि आपकी आवाज़ आपके डिवाइस के अंदर जाती है, तो किससे जाती है? माइक्रोफोन से जाती है। तो ये एलेक्सा बोलना अपने आप में इनपुट है, लेकिन कौन सी डिवाइस ये इनपुट उसके अंदर डाल रही है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के अलावा दूसरा कोई भी डिवाइस नहीं बना है दुनिया में जो आपकी आवाज़ को इनपुट बनाता है आपके कंप्यूटर का। ठीक है, ओके। तो गाइस, आई होप कि लेक्चर आज का हेल्पफुल होगा। आज इसको हम लोग यहीं पे अभी करते हैं, कल से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइस वगैरह बचा है, उसके बारे में कल के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। रैम और रोम, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, इन सब की हम लोग कल बात करेंगे। तो KB10 कोड का प्रयोग ज़रूर से करिएगा 10% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए अनअकैडमी के ऊपर। अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, पीपल एनवायरनमेंट की, मेरा प्लस का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो कल गाइस फिर से आ जाइएगा 2 बजे, फ्री क्लास हमारे यहाँ हो रही है। ICT को कम्प्लीट हम लोग को ख़त्म करना है, कल हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। और प्राइमरी सेकेंडरी, अभी हमने आज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लिया है, कल हम लोग आकर के प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइस में रैम रोम वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में कल 2 बजे, और आज मिलते हैं।